Hey guys, welcome back to my channel. And आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ ये वाला प्रोडक्ट. सो ये है ज़रीना क्रीम. अगर आपने अभी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है तो शायद उन्होंने आपको ये क्रीम सजेस्ट किया है, एंड दैट इज द रीजन आप इसका रिव्यू जो है सर्च कर रहे हो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू दिस वीडियो देन कीप वॉचिंग. इसमें जो की इंग्रीडियंट्स है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, यूरिया एक्सेट्रा. सो ये बेसिकली अगर आपकी स्किन जो है बहुत ही ज्यादा ड्राई है, फ्लेकी है, देन उसके लिए है. आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और मॉइस्चराइज करता है. ये आप रेगुलर यूज अगर आप इसे करोगे तो आपके क्रैक फीट जो है उसको ये ठीक कर देता है, इनको स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है. ये मुझे बेसिकली मेरे डॉक्टर ने फीट के लिए ही दिया था. मेरे फीट में थोड़ा सा एलर्जी रिएक्शन हो गया था, एंड जिस वजह से मेरी फीट जो है बहुत ज्यादा क्रैक हो गई थी, एंड उसको डैमेज रिकवर करने के लिए ये दिया था. बट उन्होंने ये बोला था कि ये जो है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है स्किन पे, इसीलिए इसको मैं सिर्फ अपने फीट पे ही यूज करूँ, नॉर्मल फेस पे या नॉर्मल स्किन पे मैं इसे यूज ना करूँ. ये 50 ग्राम का है, इसका MRP है 419 rupees. लेट मी शो यू द टेक्सचर. ये बेसिकली एक बॉक्स में आया था, वो बॉक्स मैंने अभी फेंक दिया है, सो आई कांट शो यू दैट वन. सो जब आप इसको ओपन करोगे ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा. इसका जो स्मेल है ना वो इसका जो स्मेल है ना वो बिल्कुल जॉनसन जॉनसन बेबी क्रीम जैसा होता है, वैसा ही बिल्कुल स्मेल है. ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका. लेट मी शो यू. बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे जो है ब्लेंड हो जाती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट आपकी स्किन जो है फील करेगी इसे अप्लाई करने के बाद. बट एज माई डॉक्टर रिकमेंड कि मैं नॉर्मल स्किन पे इसे यूज नहीं करूं, तो मैंने कभी नॉर्मल स्किन पे इसको यूज नहीं किया है, बट मैंने हमेशा इसे एज अ फीट क्रीम यूज किया है. सो अगर आपको भी फीट में क्रैकिंग की प्रॉब्लम है या आपके फीट जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, फ्लेकी टाइप की है, इस कोई भी बॉडी पार्ट का स्किन जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है, फ्लेकी है, डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को जो है यूज कर सकते हो. आपको एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को एक हफ्ता यूज करना है टू सी द विजिबल रिजल्ट. आप इसको दिन में दो बार यूज कर सकते हो, सुबह एंड रात को. आपको पहले अपनी जो जहां पे आप इसको यूज करोगे वहां को आपको अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई गंदगी ना रहे, एंड उसके बाद आपको उसे ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको इसे यूज करना है, अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपको इसे एक बार और वहां पे अप्लाई करनी है. आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप नॉर्मल बॉडी पार्ट में कहीं पे भी यूज करो फीट के अलावा. अगर आपको करना है आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करो. यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ यू हैव फीट दैट इज ड्राई रफ क्रैक ओनली यू यूज इट, एंड इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द क्रैक एंड सॉफ्टन द स्किन देन यू शुड ट्राई द ज़रीना क्रीम ऑन योर फिट एंड योर एल्बो. सो इसका मतलब है आप एल्बो में भी इसको अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ आईज. अगर आपको रेडनेस हो या फिर इरिटेशन होना स्टार्ट हो देन आपको इसे बंद करना होगा यूज करना और डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा. फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको रात में इसे फीट पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपको मोजे पहन लेने चाहिए, तो आपको रात भर अच्छा इफेक्ट मिलेगा इसका. 8 घंटा मतलब पूरे रात भर आपको इसे रखना है, सुबह आपको वॉश कर लेना है. दिन में आप 2-3 बार भी इसको यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. डायरेक्ट सनलाइट से आप दूर रखिए और फ्रीजर में भी आपको इसे नहीं रखना है. दिस इज अ ग्रेट क्रीम अगर आपको क्रैक हील की प्रॉब्लम है. आई रियली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट. सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो. कोशिश करूंगी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की अगर मुझे लिंक मिले. एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.